इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकृति आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए, स्कॉर्पियन साइन के लिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए, हाँ जी जी हाँ बिल्कुल, बहुत खास है, बहुत विशेष कार्यक्रम है। सितंबर 2024 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन, सितंबर का पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा, बहुत डिटेल में जानेंगे कि सितंबर 2024 वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला रहेगा, सभी विषय पर बताऊंगा आपको। और ये ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, सभी विषय पर जानेंगे बहुत डिटेल में कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, ये नवग्रह की क्या स्थिति है सितंबर के महीने में, कौन सा ग्रह कहाँ पे है, क्या आपको फल देगा एग्जैक्ट, राइट। और दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है, और वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय। और अगर अपनी जन्म कुंडली पे आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए जानते हैं कैसे रहेगा वृश्चिक राशि का सितंबर 2024, सभी विषय पर, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, चलिए जानते हैं। दोस्तों सितंबर के महीने में आपकी राशि के स्वामी है मंगल। मंगल कहाँ है, आपके 8th हाउस में विराजमान है। यहाँ पे आपके 7th हाउस में है गुरु, आपके 4th हाउस में है शनि, आपके 5th में है राहु, आपके 10th हाउस में है सूर्य बुध, तो आपके 11th हाउस में विराजमान है शुक्र के साथ में केतु, राइट। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों राशि के स्वामी है आपके मंगल, और मंगल कहाँ पे विराजमान है, आपके 8th हाउस में है। मंगल आपके 8th हाउस में विराजमान है, ठीक है, मंगल का कोई राशि परिवर्तन नहीं है। 8th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि 8th हाउस ये सारे डिसीज के हाउस होते हैं, रोग स्थान माने जाते हैं, 6, 8, 12, ठीक है। 8th हाउस तंत्र मंत्र का भी होता है, हिडन नॉलेज का भी होता है, डीप नॉलेज का भी होता है, गहन अध्ययन का होता है। तो फिलहाल ये महीना ऐसा है वृश्चिक राशि के लिए कि जहां मंगल 8th हाउस में है राशि स्वामी, तो इम्यूनिटी पे वर्क तो करना पड़ेगा, राइट, बिल्कुल अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना है, यानी कि अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको कफ कोल्ड ना हो, फीवर ना हो, स्टमक प्रॉब्लम ना हो, आपको फूड पॉइजनिंग ना हो, कहीं ना कहीं मिसेज ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी राशि स्वामी 6, 8, 12 में ट्रांजिट करते हैं ना, तो बिल्कुल थोड़ा परेशान तो करते हैं, राइट। तो इसका ध्यान तो देना होगा आपको, उपाय बताऊंगा करिएगा, क्योंकि मंगल का कोई परिवर्तन नहीं है, अक्टूबर में होगा, सितंबर में कोई परिवर्तन नहीं है, राइट। फिलहाल जानते हैं आपकी पढ़ाई के बारे में कैसी रहेगी विद्यार्थियों के लिए सितंबर 2024। 5th हाउस होता है पढ़ाई का, 5th भाव ये वाला, जहां पे राहु विराजमान है, और 5th लॉर्ड बनते हैं जुपिटर। जुपिटर आपके 7th हाउस में है यहाँ पे, ठीक है, 1st हाउस को देख रहे हैं। यहां पर दो अलग अलग चीजें हो रही हैं आपके साथ में, समझिएगा सुनिएगा। 5th भाव में राहु है, 5th भाव में राहु पढ़ाई को थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा डिले कर रहे हैं, थोड़ा परेशानी कर रहे हैं 5th भाव में राहु। क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5th भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, ये थोड़ा मन को भटका रहे हैं आपके, लेकिन गुरु अपना काम कर रहे हैं, जो 5th लॉर्ड गुरु हैं ये ज्ञान दे रहे हैं, मैच्योरिटी तो दे रहे हैं, आपका एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी राहु थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, यानी कि कभी कभी पढ़ाई में मन ना लगना। आप समझदार हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप ज्ञानी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पढ़ाई में मन ना लगना, ये राहु कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप स्टेबल रहें, फोकस रहें अच्छे से, ठीक है, अच्छा रहेगा। बात करें प्रेम प्यार, लव रिलेशन कैसा रहेगा आपका। दोस्तों शुक्र लव के कारक, प्रेम के कारक शुक्र जो है 11th हाउस में बैठ के 5th भाव को देख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन राहु 5th भाव में बैठे हैं। ये राहु जब तक 5th भाव में है ना, तो आपकी बातचीत कभी बहुत अच्छी होगी, कभी सडनली ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए बात बंद भी हो सकती है, सामने वाला बिना वजह यानी कि विदाउट एनी रीजन कोई ऐसी बात बोल सकता है कि आपको वो लग सकती है, या वहां से ऐसी बातें आ सकती हैं कि आपको लग सकती है, आप ऐसी बातें कर सकते हैं कि हर्ट हो सकते हैं, यानी कि राहु ना कभी कभी क्या करते हैं कि राहु का काम है सडन, राहु सडन कोई भी चीज सडन दे देते हैं, एकदम से सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन एकदम से परेशान कर देते हैं, एकदम सब अच्छा चल रहा है प्रेम प्यार, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं बीच में कि सब कुछ खराब हो जाता है राहु की वजह से, और ऐसी भी स्थिति कर देते हैं राहु की बातचीत बंद भी करवा देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आप गुरु के इंद्र में हैं तो आप इसको ये मत सोचना कि ये लव रिलेशन पे बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट डालने वाला रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। अच्छा बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन पे, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी। 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, 7th हाउस में गुरु विराजमान है,
सेवंथ हाउस में गुरु है और सेवंथ लॉर्ड शुक्र जो है वो आपके इलेवंथ हाउस में है, ये बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ इस महीने अच्छी रहेगी, इवन आपके लाइफ पार्टनर को ग्रोथ भी देखी जा सकती है, या फिर दोनों आपस में मिलकर ट्रैवल कर सकते हैं, एक अच्छे आगे इन फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। आप दोनों का जो वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा देखा जाएगा। अगर पहले कुछ परेशानी थी आपके वैवाहिक जीवन में, कोई आर्ग्यूमेंट थे, कोई फैमिली आर्ग्यूमेंट थे, कोई किसी तरीके की कोई परेशानी थी, तो यहाँ पर उसका हल भी निकलेगा, कोई सॉल्यूशन निकल कर आएगा, राइट? क्योंकि शुक्र जो है वो इलेवंथ हाउस में है, कोई परेशानी नहीं है। बात करें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा। ये होता है दोस्तों भाग्य स्थान नाइन्थ हाउस, जहाँ चार लिखा है, और ये होता है करियर का, जहाँ पे सूर्य बुध बैठे हैं। भाग्य की बात कर लेते हैं दोस्तों, इस महीने भाग्य का सपोर्ट आपके साथ है, भाग्य साथ देगा, ब्लेसिंग रहेंगी आपके ऊपर, और अच्छा दिख रहा है भाग्य यहाँ पर आपका, ठीक है। हालांकि चंद्रमा हर सवा दो दिन में परिवर्तन करते हैं, लेकिन सूर्य अच्छे हैं आपके। हाँ, मंगल कमजोर है, मंगल का उपाय जरूर करना आप, क्योंकि जब भी राशि स्वामी कमजोर होते हैं ना, तो जो काम दो दिन में होना है वहां पर तीन दिन लग जाते हैं, ये सिर्फ मंगल की वजह से बता रहा हूं आपको, ठीक है। भाग्य साथ देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिले होगा मंगल की वजह से, इसके लिए कुछ उपाय करना बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, थोड़ा रुक रुक के काम हो, बस ये। बाकी अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं इस महीने, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं, कहीं पर कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, कोई भी डील करने की सोच रहे हैं आप, तो मैं कहूँगा कि कर लीजिए, सूर्य अच्छे हैं आपके, आत्मकारक, कॉन्फिडेंस के कारण अच्छे हैं। करियर की बात करूँ वृश्चिक राशि के लिए, कार्य क्षेत्र आपका करियर कैसा है, टेंथ हाउस में सूर्य भी हैं और साथ में बुध भी हैं, बुध आदित्य राजयोग, जी हाँ, बुध आदित्य राजयोग, सूर्य जो है आपके 16 सितंबर तक ही है, फिर आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर लेंगे, राइट। अब एक बात कहूंगा आपसे कि सूर्य आपके जो 10th हाउस में है राजयोग बनाकर बैठे हैं 16 सितंबर तक, ये आपके नौकरी लगने की संभावना भी अच्छी है, और सूर्य आपको एक नेम देंगे, एक फेम देंगे, एक टैलेंट देंगे, एक ज्ञान देंगे, एक कॉन्फिडेंस देंगे, और आपके अंदर एनर्जी लेवल लेकर आएंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सूर्य में, क्योंकि सूर्य जानते हैं आप सभी जानते हैं सूर्य है राजा है, सूरज राजा है, तो सूर्य आपके 10th हाउस में बैठने का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी काम करेंगे, थोड़ा बस अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, डोमिनेटिंग नहीं होना है आपको, राइट, डोमिनेटिंग नहीं होना है आपको, क्योंकि सूर्य आपके 10th हाउस में है, डोमिनेटिंग बना सकते हैं, राजा है भाई, समझने वाली बात है, किंग है। लेकिन बस बुध भी है आपके 10th हाउस में, हालांकि बुध भी 10th हाउस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी मेंटेलिटी को, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपके बोलने के कहते हैं ना कि बोलने का जो वे होता है बुध, वाणी के कारक हैं बुध, तो ये सब चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। तो करियर इस महीने मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, और अगर नौकरी नहीं है तो मैं कहूँगा 16 सितंबर से पहले नौकरी लगने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत अच्छी है, राइट। और फिर 16 सितंबर के बाद सूर्य आपके 11th हाउस में जाएंगे, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन होने की संभावना है, प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए। और अगर बिजनेस की मैं बात कर लूँ, विशेष व्यापार की, बहुत अच्छा है इस महीने व्यापार आपका, क्योंकि गुरु है 7th हाउस में, शुक्र आपके 11th हाउस में है, इवन 18 सितंबर के बाद थोड़ा सा खर्चा हो सकता है व्यापार में, 18 सितंबर के बाद थोड़ी टेंशन हो सकती है, भागदौड़ हो सकती है, खर्चे पे कंट्रोल कीजिएगा, लेकिन 18 सितंबर से पहले आपका व्यापार काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। क्या उपाय करना चाहिए आपको, सबसे पहले तो मंगल, मैंने बताया था कमजोर है, तो मंगल का बीज मंत्र करो इस महीने कंटिन्यू, ओम क्राम क्रीम क्रोम सभमाय नमः 108 बार, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, रोज करना है आपको। चंद्रमा का बीज मंत्र करो, ओम सराम श्रीम सरोम स चंद्रमसे नमः, और उगते हुए सूर्य को जल दीजिए आप। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में, धन्यवाद।